नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्स इन्फो टेक पे। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं टेक्निकल वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल के अंदर जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आपको कभी ना कभी PDF से JPG बनानी होती है या JPG से PDF बनानी होती है, या अगर दो तीन PDF हैं, एक PDF के अंदर दो तीन पेजेस हैं, तो उसमें से स्प्लिट कैसे करना है वो बताऊंगा। और अगर आपको उसको मैनेज करना, कैसे मैनेज करना है उसको मैं बताऊंगा। अगर आपको मर्ज करना है, मर्ज करना भी आपको बताऊंगा। कंप्रेस कैसे करते हैं PDF को ये भी बताऊंगा, और रोटेट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन आप ये सब कुछ कर सकते हैं एक PDF के साथ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सभी PDF को कैसे आपने सेट करना है। तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को सेलेक्ट ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लेट्स मूव टू डेस्कटॉप स्क्रीन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना एक ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए, या जो इनमें इसमें इनबिल्ट ब्राउज़र आता है उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ से आपने क्या करना है, अपना ये पेज लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है ILovePDF, ILovePDF। इसको आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो आपके सामने पहली लिंक तो खुल के आती है, आपने इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये इस टाइप से इंटरफेस इसका आ जाता है। तो इस सब में से जैसे कि आप पहला है मर्ज PDF, PDF को मर्ज कैसे करना है, अगर दो PDF अलग अलग हैं तो उन दोनों को एक साथ कैसे लेना है, अगर एक साथ हैं उनमें से आपको स्प्लिट करना है वो कैसे करना है, अगर आपकी साइज़ ज़्यादा है और आपको कम साइज़ की कंप्रेस करके आपको PDF चाहिए वो कैसे करना है, और अगर आपको PDF से वर्ड में कन्वर्ट करना है वो कैसे करना है, पावर पॉइंट में करना है कैसे करना है, PDF को एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करना है, वर्ड को PDF में कैसे कन्वर्ट करना है, पावर पॉइंट को PDF में कैसे कन्वर्ट करना है, एक्सेल को PDF, जो आपको भी इसमें जो भी चाहिए आपको इसमें सब कुछ लगभग चीज़ें आपको मिल जाती हैं, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें सब कुछ मिलता है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा है कि जब आप एक से ज़्यादा करते हैं उसको, मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा करना होता है, तब ये मांगता है, साइन अप का ऑप्शन मांगता है आई थिंक। उसके बाद से ये पे करना पड़ता है मेरे ख्याल से इसको, तो क्योंकि मैं अभी तक इतने आगे गया नहीं हूँ इसमें, मेरा काम छोटा मोटा ही पड़ता है, तो वही चीज़ मैं आपको आज बताऊँगा। सबसे पहले आता है PDF को JPG में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछता है कि सेलेक्ट टू PDF फाइल, आपने सेलेक्ट करना है एक PDF कोई भी फाइल को। ये बोल रहा है PDF फाइल सेलेक्ट करना, क्योंकि आपको PDF से JPG बनानी है। तो जैसे कि हमारे सामने कुछ बहुत सारे PDF पड़े हैं, कोई भी एक PDF हम चूज़ कर लेते हैं। इसको हमने रिज्यूमे है तो हमने इसको क्लिक किया, हमको इसका PDF से हमको JPG में कन्वर्ट करना है, तो आपने कन्वर्ट टू JPG पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने डाउनलोड JPG का ऑप्शन आता है और यहाँ पर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। लेकिन ये होता है JPG फाइल में, जिप फाइल में सॉरी। तो आपने इसको यहाँ से क्लिक करना है और एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करनी है, रार फाइल। तो अगर आप जब इसको रार को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद से ये खुलना चालू हो जाएगा, विजार्ड है। तो आपने इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक फ़ोटो ये बन के आ गई है, अब हम इसको देखें तो ये फ़ोटो में कन्वर्ट हो चुका है, जो PDF में था उसको हमने सीधे सीधे JPG में कन्वर्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं वहाँ ये जो था PDF में था, और यहाँ जो है ये है आपका JPG। तो ये तो आप सीख गए PDF से JPG फाइल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब आपको JPG को PDF में कन्वर्ट करना है, तो आप ऊपर से आपको ये ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ से भी आप शॉर्टकट से जा सकते हैं। अब हमको चाहिए JPG से PDF बनाना है,
यहाँ से जेपीजी से पीडीएफ बनाया जाता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, कृपया पूरा देखें, आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपने सेलेक्ट जेपीजी इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं, अगर हमको एक से ज़्यादा इमेज हमको पीडीएफ बनानी है तो आपने सिंपल से एक क्लिक करना है, या तो आप ये भी कर सकते हैं, माउस के लेफ्ट बटन को दबा के सीधा आगे को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके सामने अगर देखिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन होता है, कंट्रोल बटन दबा के भी आप एक एक करके क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक क्लिक किया, कंट्रोल बटन दबाया, 2 3 4 5, आपने ये क्लिक कर लेना है। उसके बाद से आपने ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ ये सब आ जाती हैं। आपने यहाँ से कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करना है। कन्वर्ट टू पीडीएफ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा लोड लेगा, अपलोड होती है फाइल, क्योंकि ये फाइल थोड़ी हैवी फाइल है, जैसे 2-3 MB की फाइल है, तो थोड़ा टाइम लगाता है। तो उसके बाद से क्या होता है, ये जो है बहुत टाइम लगा रहा है, तो हम इसको कैंसिल करते हैं और कोई सॉफ्ट फाइल जो है हम उसको यहाँ पर रखते हैं। आपने करना है जेपीजी फाइल पर क्लिक। उसके बाद आ जाते हैं हम की भी चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये दो हैं, हम इन दोनों को ही मर्ज कर लेते हैं, या हम इन दोनों को ही पीडीएफ बना लेते हैं, तो ये जल्दी से बन के रेडी हो जाएगी। जैसे आपने किया, बन के रेडी हो गई है, कन्वर्ट इमेज टू पीडीएफ। अब यहाँ आप देखेंगे डाउनलोड इमेज का, लेकिन यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको जल्दी करना है तो आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये पीडीएफ फाइल बन के रेडी हो गई। ये देखिए एक और दो, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पेज हमने वहाँ सेलेक्ट किए थे और 2 पेज यहाँ दिखा रहा है। तो इसके बाद हम इसको करते हैं कट, फिर चलते हैं होम पे। अब यहाँ से हमको क्या करना है, दो पीडीएफ को मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है और सेलेक्टिव पीडीएफ फाइल पे आपने यहाँ से क्लिक करना है। उसके बाद से आपने दो पीडीएफ को मर्ज करना है, तो हम दो पीडीएफ को सेलेक्ट कर लेते हैं, रिज्यूमे 1 और रिज्यूमे 2। इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया और ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं दोनों फाइल यहाँ अपलोड हो गई हैं और हम इसको मर्ज पर क्लिक करते हैं। जैसे आप मर्ज पर क्लिक करते हैं तो ये अपलोड होता है। फाइल थोड़ी छोटी है, हो जाएगा, वेट कीजिए। हो जा, देखिए हो जा कहने पे हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हो जा बोलते बोलते तो गाना ही बन जाएगा। देखिए हो रहा है, अपलोड हो रहा है, थोड़ा और, थोड़ा सा ही है। हाँ बस 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 हो रहा है, हो रहा है, थोड़ा जल्दी होने लग गया, बस थोड़ा सा, थोड़ा और। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दोनों फाइलें मर्ज हुई मिल जाएगी। ये देखिए दो दो पेज हर उसके थे, दो रिज्यूमे जो थे उन दोनों के दो दो पेज, तो यहाँ पर 4 पेज मर्ज हो चुके हैं। ये देखिए तो आपको अब मर्ज करना भी आ गया है। अब इसके बाद चलते हैं आगे कंप्रेस करना। कोई भी पीडीएफ जो फाइल होती है उसको आपने कंप्रेस करना है, तो कंप्रेस करने के लिए आपने यहाँ पर से पीडीएफ को सेलेक्ट करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि रिज्यूमे है इसका तो वैसे ही कम है, तो जैसे कोई ज़्यादा है, जैसे ये देखिए आप इसमें है 441 KB की फाइल है, हमको इसको कम करना है, तो हमने हाई कंप्रेशन लेस क्वालिटी पर रखा और कंप्रेस किया, तो ये सीधे कंप्रेस हो चुकी है। देखिए ये हो गई है आपकी, 441 की थी तो 371 KB में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये भी आपको आ गया। अब आगे चलते हैं स्प्लिट पीडीएफ में। आपने पीडीएफ मर्ज भी कर लिया, कंप्रेस भी कर लिया, जेपीजी टू पीडीएफ फाइल भी बना ली। अब आपने स्प्लिट पीडीएफ करना है, तो स्प्लिट पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सेलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक कर लेना है। और देखिए जैसे कि रिज्यूमे में 2 पेज थे, आपको बताया था मैंने, रिज्यूमे को हम सेलेक्ट करते हैं और आपको कौन सा पेज इसमें रखना है, फिक्स्ड रेंज और यहाँ पर कस्टम रेंज, दो हैं। आप अपने मैन्युअली आप
रख सकते हैं और रेंज को फिक्स भी कर सकते हैं, जैसे एक है, दो है, तीन है, तीन पेज तो है नहीं लेकिन दो ही हैं, हमको एक पेज चाहिए, तो हमने एक पेज पे स्प्लिट इन रेंज ऑफ वन किया और स्प्लिट कर दिया। जैसे ही आप स्प्लिट करेंगे यहाँ पर वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड होगी, आपने यहाँ से क्लिक करना है और आप देखेंगे यहाँ पर वो फाइल दोनों अलग अलग में हो गई है। जो पेज वन था वो पेज वन अलग हो गया है और जो पेज टू था वो टू पेज अलग हो चुके हैं। ऐसे आप एक, अगर एक फाइल में अगर आपके 10-15 पेजेज हैं तो आप उसको एक बार में स्प्लिट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है रिमूव पेज। अब आपको अगर पेज रिमूव करना है कोई भी पीडीएफ का, तो आपने रिमूव पेज पर जाना है, पीडीएफ सेलेक्ट करना है, उसके बाद से आपने यहाँ से, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसी पीडीएफ को ले लेते हैं। अब हमको क्या करना है, रिमूव पेज करना है, तो हमने यहाँ पर एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, 158 लिखा है, तो हमने क्या करना, 1 बाय 1, 1-1, 1 बाय 1 रिमूव करना है हमने, तो रिमूव पेज पे आप क्लिक करेंगे तो वो पेज रिमूव हो जाएगा और सिंगल पेज आपके पास आ जाएगा। डाउनलोड स्प्लिट पीडीएफ, ये डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हैं आप, हमने एक पेज को रिमूव करने के लिए किया था तो एक पेज रिमूव हो चुका है, जो पहला पेज था वो रिमूव हो चुका है और जो सेकंड पेज था वो हमारे पास आ चुका है, तो आपको ये भी आ गया है। तो इसके बाद से इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगर आपको जेपीजी से पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ से जेपीजी बनानी है, इस टाइप की आप जो है इसको यहाँ से आप काम कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वहाँ पर आप मेरे को इसमें कमेंट छोड़ सकते हैं, उस कमेंट का रिप्लाई मैं आपको तुरंत ही दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, तो जितनी भी मेरे से हेल्प होगी मैं आपसे आपकी पूरी हेल्प करूँगा, और आप भी मुझे ज़रा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और वीडियो बनाते रहूँ, मोटिवेट होते रहूँ। लाइक करते रहिए मेरे वीडियोस को। अगर कोई भी दिक्कत आती है, अगर आपको लगेगा कि ये वीडियो में गलत बता रखा है या कुछ भी बताया हुआ है, तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे आपके लिए अच्छी वीडियो बना के लाता हूँ और बिना कोई दिक्कत की वीडियो ऐसी बना के लाता हूँ जिससे कि आपका काम आसानी से हो जाता है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके उस कमेंट का ज़रूर से जल्दी रिप्लाई दूंगा और ज़रूर करूंगा। तो अभी इस वीडियो के लिए अगर आप जितने भी लाइक करना चाहते हैं लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप सभी का धन्यवाद है बहुत बहुत कि आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है। यहाँ तक वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको बेशक अच्छी भी लगी होगी वीडियो, तो आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को सेलेक्ट ऑल पर सेट कर लेना है, और लाइक तो ज़रूर करना है, कमेंट भी मुझे ज़रूर कीजिए कैसी लगी ये बताइए मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।